हाय सोल फैमिली, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मैं आप लोगों के लिए न्यू मून के ओकेज़न पे आप लोगों के लिए जो मैसेज है वो बहुत सारे डाउनलोडिंग्स हैं, बहुत सारे बल्क में डाउनलोडिंग्स हैं और समझ नहीं आता कि किस चीज़ को किस टाइम पे कन्वे करना ठीक रहेगा। तो कुछ बातें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी में, आपकी जो भी डिवाइनल ट्विन फ्लेम जर्नी है उसमें सीधा सीधा डिवाइन इंटरवेंशन होते हुए सीधा सीधा डीएम एनर्जी में डिवाइन अपना इंटरफेयर कर रहे हैं और वहाँ पे जो है डिवाइन अपनी भूमिका जो है अब थर्ड पार्टी और डीएम के बीच में पूरी तरह से रखते हुए, ताकि डीएम की आंखें खुले और डीएम को जो है अपना समझ आए कि जो कुछ भी उन्होंने लाइफ में गलतियां की हैं वो उनको कहीं से भी फ्रूटफुल नहीं हुआ है। जो कुछ उन्होंने स्टेप लिए हैं, जो कुछ भी उन्होंने तरीके अपनाए वो कहीं से कभी भी उनको फ्रूटफुल साबित नहीं हुए, और ये बात कहीं ना कहीं डीएम रियलाइज़ भी कर रहे हैं। तो डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी है। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि डिवाइन अब मतलब पूरी तरह से डीएम को एक जिसको कहते हैं ना अपने उसके अंदर लेते हुए, प्रोटेक्शन के अंदर लेते हुए, कहीं से भी अब जो है थर्ड पार्टी डीएम को मैनिपुलेट नहीं कर सकती है, ना कर पा रही है। और इसीलिए अब जो घबराहट है, जो घबराहट पहले डीएम को होती थी हर वक्त, वो घबराहट अब थर्ड पार्टी को है, क्योंकि थर्ड पार्टी क्लियरली देख सकती है, कार्मिक क्लियरली देख सकता है कि इस पर्सन पे अब उनका वो होल्ड नहीं रहा है पहले वाला, और चीज़ें वैसी नहीं रही हैं जैसे पहले उनके फेवर में वर्क किया करती थी। पहले जिस तरह से वो चीज़ों को मोल्ड करते थे और इस पर्सन को मैनिपुलेट करते थे, यानी कि जो भी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है उसको जिस तरह से कार्मिक अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लेता था, अब उनको क्लियरली दिखता है कि वो एनर्जी इस टाइप से उनके कंट्रोल में नहीं आ पा रही है। और जब वो नहीं आ पा रही हैं तो अब जो घबराहट है असली वो जो है कार्मिक साइड में है, थर्ड पार्टी साइड में है। और जहाँ तक कि हम बात कर लेते हैं डीएम की, तो डीएम जो है वो पीसफुल एनर्जी में तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ उनके लिए जो है डीएफ उनका एक तरह से कह सकते हैं इंस्पिरेशन, ठीक है। क्योंकि वो जब डीएफ की साइड देखते हैं तो जिसको उन्होंने इतना बुरी तरह से रिजेक्ट किया था, ठीक है, द पर्सन हु वाज रिजेक्टेड इज सो पीसफुल, इज लुकिंग सो पीसफुल एंड ग्रोइंग इन देयर लाइफ ना, तो वो जब देखते हैं कि लाइफ में ग्रो कर रहे हैं और इतना पीसफुल उनकी लाइफ हो चुकी है, तो वो कहीं ना कहीं सरप्राइज भी होते हैं और कहीं ना कहीं इंस्पायर भी होते हैं। अब उनका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो है पूरी तरह से अपनी डीएफ एनर्जी है, वो कार्मिक से, यानी कि एक तरह से लिटरली कहते हैं कि उनको कार्मिक को दे आर कॉलिंग आउट देयर एक्शंस ना, और कार्मिक ने जो किया वो चाहे एनर्जेटिकली ही वो उसको फील करवा रहे हैं, लेकिन वो उसको पूरी तरह से इसी टाइप की एनर्जी दे रहे हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। कार्मिक के जो नखरे पहले उन्होंने उठाए, जो पहले उन्होंने थर्ड पार्टी को पैम्पर किया, ऐसी एनर्जी में अब जो है बिल्कुल भी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी ऐसा कोई मूड उनका नहीं लगता, और यही जो है थर्ड पार्टी को एकदम से एनर्जी डरा रही है, ठीक है। तो इस टाइम पे बहुत पॉसिबिलिटी है इसके आगे पीछे, इस तो यहाँ पे इस न्यू मून के आगे पीछे बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप में से बहुत सारे लोगों को जो है कम्युनिकेशन आ सकता है। कम्युनिकेशन आएगा भी, श्योरली आएगा। जिन किन्हीं को आया है या अब ऐसी एनर्जी फील होती है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा मुझे ज़रूर। सेकंड थिंग ये है कि जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ वो ये है डीएफ साइड में कि बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो क्यों, लेकिन बहुत ज़्यादा एक सिक्योर और विश्वास वाली एनर्जी, मतलब ऐसा कुछ 3D में ऐसा कुछ कमाल नहीं हुआ है देखा जाए देखने में, लेकिन उनकी एनर्जी जो है वो बहुत पूरी तरह से विश्वास से भरी हुई है। और जब विश्वास होता है आपको तो आपके चेहरे पे वो स्माइल अपने आप ही आ जाती है, जो सिक्योर, जब आप सिक्योर फील करते हैं तो वो वाली
स्माइल जो है वो मैं डीएफ के चेहरे पर देख रही हूँ, जो कि एक ऐसी स्माइल होती है कि मीन्स दे आर, उनको कुछ भी वरी करने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको कुछ भी सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये जो एनर्जी होती है तभी होती है जब आप खुद को पूरी तरह से यूनिवर्स को सौंप चुके होते हो, अपनी जर्नी को अपने पर्सन को सौंप के आप जब निश्चिंत हो जाते हो ना, तो ये निश्चल स्माइल तभी आती है आपके मुंह पे, आपके चेहरे पे। ये इतनी प्यारी सी स्माइल जो मैं देख पा रही हूँ डीएफ एनर्जी की, वो तभी आती है जबकि आप खुद पूरी तरह से निश्चिंत होते हो, आपको कुछ भी अंदर ना आपके आप मतलब कुछ कह ही नहीं सकते कि आपके अंदर कुछ भी चल रहा है। तो जब इस तरह की नथिंगनेस वाली फीलिंग होती है, यानी कि आप मीन्स आप एक तरह से फ्लोट कर रहे हो, ठीक है, तो जब इस टाइप की नथिंगनेस वाली फीलिंग होती है तब आप सबसे ज़्यादा निश्चिंत होते हो, तब आप सबसे ज़्यादा खुश होते हो, खुश भी आप तभी होते हो, ठीक है। इंटरनली उसको कहते हैं ब्लिस का स्टेट। तो वो जो ब्लिस होता है वो आपको तभी मिल पाता है जब आप खुद कुछ नहीं रहते हो, ठीक है, आप सारा कंट्रोल दे चुके होते हो। और यही स्माइल मैं डीएफ एनर्जी पे देख पा रही हूँ, यही विश्वास और यही जो है सरेंडर डीएफ एनर्जी में क्लियरली मैं देख सकती हूँ। तो गुड गोइंग डीएफ एनर्जी। और सेकंड थिंग ये है कि बहुत जल्दी आपकी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी जो आप चाहते भी हैं, और मैं भी ब्लेस करती हूँ आपको कि आपके साथ बहुत जल्दी बहुत कुछ अच्छा हो, जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो वो हो, आपको मैनिफेस्ट आपको मिले। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, ठीक है। आप लोगों को अगर कुछ रिचुअल करने तो आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैनिफेस्टेशन बहुत हाई है, बहुत चांसेस होते हैं मैनिफेस्ट होने के। थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड आप अगर मेरे साथ रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एनर्जी चेक लेना चाहते हैं कि आप किसी तरह की ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड गाइडेंस या किसी भी अन्य जो रिलेशनशिप है, कार्मिक हो सोलमेट हो, उनसे रिलेटेड अगर कोई रीडिंग या कोई काउंसलिंग या गाइडेंस आप मुझसे चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। थैंक यू सो मच। बाय।